तो देख सकते हैं आप ये घर किस तरह से यहाँ पर दरार आई हुई है। कोई और एक घर नहीं है यहाँ पर, तकरीबन 10 से 12 घर। करनाल का ये जुंडला गांव है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कड़ियों वाला ये घर है। और साथ ही साथ इतनी ज्यादा बुरी तरह से दरारें आई हुई हैं, इसके आसपास भी 10 से 12 घर है यहाँ पर दरारें आई हुई है। घर में बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, देख सकते हैं आंटी जी कितनी ज्यादा बुजुर्ग हैं। कुछ भी हादसा हो सकता है यहाँ पर, इंसान यहाँ पर बहुत से लोगों के घर बलियां लगा के ये लोग जो है बलियां लगा के गुजारा कर रहे हैं। लोग रात को डर कर सो रहे हैं कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ, इतने ज्यादा बुरे हालात हुए हैं, बच्चे बुजुर्ग डर डर कर यहाँ पर सो रहे हैं और कुछ लोग घर छोड़कर भी जा चुके हैं। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर देखिए। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा बड़ी दरारें आई हुई हैं, कितना ज्यादा खतरा है इस घर में रहना, लेकिन लोग मजबूर हैं इन घरों में रहने को, क्योंकि वो अपना घर छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये दीवार कभी भी गिर सकती है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, अगर कोई बच्चा है घर में, बुजुर्ग है, कोई भी है, किसी के साथ भी इस तरह से हादसा हो सकता है। कितनी ज्यादा बड़ी बड़ी दरारें आई हुई हैं, लेकिन लोग इतना कम कमाते हैं, किस तरह से 10-12 हज़ार कमाते हैं और कैसे इसको ठीक करवाएंगे और यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। परेशानी हो रही है, सारा मकान टूटा पड़ा, जमारे घर कोई कमाने वाला नहीं है, सारे कहते हैं किराए पे चलो, जमार से किराया पूछता नहीं है जी, हमारे को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अभी कुछ नहीं सुना, डर लगता है सोते। हाँ जी, डर लगता है जी, बैठ जाते हैं, उठ के थोड़ी देर सो जाते हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं जी। छोटी सी एक छोटी सी घर में आप बस एक पोती है जी, लड़का मेरा चला गया, एक ही लड़का तो ये मेरी बहू है, ये बहू है। चुप हो जाइए आंटी, चुप हो जाइए। नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति कथूरिया और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के जुंडला गांव से। और ये घर आप लोग देख सकते हैं, ऐसा घर आप लोग देख के हैरान होंगे कि यहाँ पर रहने वाले इस तरह से रहने को क्यों मजबूर है। देख सकते हैं कि यहाँ पर दीवार खड़ी है, लेकिन उसके यहाँ पर बलियां जो होती हैं जब घर बनता है उसका सहारा यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि इस गाँव में सिर्फ एक घर नहीं, यहाँ पर तकरीबन काफी घर आप लोगों को इस तरह से दिखने वाले हैं, 8 से 10 घर हैं। और देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से इसमें दरारें आई हुई हैं और जो लोग हैं इसमें रहने को मजबूर हैं। जी हाँ, इसमें कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो आप लोगों से यही अपील करूंगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से ये दरारें आई हुई हैं, कितनी ज़्यादा गहरी दरारें हैं, ये गिर भी सकता है। जी हाँ, लोग यहाँ पर डर कर रहते, बलियों के सहारे यहाँ पर रखा हुआ, देख लिए दीवार के साथ, कि अगर रात को सो रहे हैं कुछ नहीं पता, कोई भी कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लोगों की जान तक जा सकती है, लेकिन यहाँ पर रहने को मजबूर है क्योंकि गरीब लोग हैं, कोई भी इतनी जल्दी ठीक नहीं करवा सकता। और मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा जो लोग हैं आसपास के, उनका कहना है कि यहाँ पर पाइपलाइन की कुछ इश्यू था और उसके चक्कर में आप लोग सोच सकते हैं पानी जो है रिश्ता जाता है, जो घर की नींव होती है वही पानी गया और वो पानी लगते लगते इस तरह से ये हाल हुआ हुआ है। और सिर्फ एक घर नहीं, काफ़ी घर है और काफ़ी दिनों से ये लोग परेशान हैं। हमें भी कॉन्टैक्ट किया तो हम इनकी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से यहाँ पर दरार आई हुई हैं, रहना कितना ज्यादा मुश्किल है यहाँ पर, डर डर कर लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बच्चे रहते हैं, बड़े रहते हैं। और जिनका ये घर है उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। तो सर, क्या कुछ प्रॉब्लम है, कब से होनी शुरुआत हुई है दिक्कत की, क्या मतलब परेशानी? मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पधार के हमारी इस कमजोरी को और इस जो भी हमारा नुकसान हुआ है उनका बढ़ावा कर रहे हो। मैम, इसमें सबसे पहले तो हमने बहुत जगह शिकायत की, किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। मैम, 3 से 4 महीने हो चुके हैं, हम बहुत परेशान हैं। यहाँ जो सी पाइप लाइन बिछाई गई है ना, ये 15 साल पहले भी ऐसी इन्होंने ये क्या था भी हम बछा के जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। उसके बाद आप देख सकते हो 3 महीने पहले ये इतना नुकसान हो चुका है। अच्छा, ये कब से होने शुरू हुई? ये सिर्फ 3 महीने का काम है मैम। 3 महीने में इस तरह से दरारें आनी शुरू हो गई है, स्टार्टिंग शुरू हो गई थी, अब ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो क्या पाइपलाइन की वजह से? हाँ जी, पाइपलाइन लीक ही जाए मैम। अच्छा, हमने दरख्वास्त भी दी थी जे सर को, लेटर भी लिखा था, पर उन्होंने कोई अभी तक सुनवाई नहीं करी। SDO सर आए थे, SDO सर आके सिर्फ ये कह के भी इनकी पाइपलाइन पा दो, हमारे में तो कोई कमी नहीं है। अगर कमी नहीं है तो फिर पाइपलाइन क्यों पा के गए हैं? वो विजिट कर गए हैं, जय साहब 2-3 बार आए हैं, विजिट कर गए हैं, उसके बाद SDO साहब भी आए हैं, विजिट कर गए हैं, वो आगे देख गए हैं, अंदर आगे कहीं देखा नहीं उन्होंने, क्या है अंदर अंदर की क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन अंदर के अंदर आके देखे क्या हुआ है। तो उन्होंने क्या डिसीजन किया, पाइपलाइन चेंज कर दो। तो उन्होंने ये नहीं किया, हुआ किस वजह से है,
रीजन रीजन देखना बताना था ना, रीजन क्या है। अपनी पाइपलाइन चेक करते हैं, जो पुरानी पाइपलाइन बिछी हुई है उसको मैन्युअली नई पाइपलाइन डाल दी उन्होंने, उन्होंने डाल नई पाइपलाइन भी मैम, सिर्फ ये एक से डेढ़ फुट तक डाल गया मैम, फिर वो ही फिर काम हो जाएगा मैम, कोई सुनवाई नहीं है। पुरानी पाइपलाइन को देखा ही नहीं गया अभी कहाँ से लीकेज है, किस वजह से ये काम हुआ है मैम, ये तो देखा ही नहीं है कि गया। तो क्या चाहते हैं, आपकी हेल्प की जाए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, आपकी हेल्प हो किस तरह से? मैम मैं 10 से 12 हज़ार रुपये तनख्वाह मेरी है मैम, कमाने वाला हूँ मैं, 25 से 30 लाख रुपये कहाँ से भरूँगा मैम, ये भी आप सोच सकते हो। और आप लोग मतलब कभी भी हो सकते, गिर भी सकते हैं, हाँ आपको सोए हुए हैं? हाँ जी, रात को आप देख सकते हो, ये बल्लियाँ लगा के हम सोते हैं, रात को पूरी कस के सोते हैं तो सुबह गिर जाती हैं मैम, ये आप देख ही रहे। डेली का डेली मैम, हम 3 सदस्य हैं, मम्मी पापा और मैं। यहाँ देख सकते हैं लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, और 10 से 12 हजार जो लोग कमाते हैं वो किस तरह से इसे ठीक करवाएंगे। और देख सकते हैं जो गलती बताई जा रही है कि जो पाइपलाइन है वो लीकेज काफी टाइम से, और जो 3 महीने से इस तरह से दरारें आनी शुरू हो जाती हैं। और मैं आपको दिखाऊं गली के बाहर निकल के, इस घर से बाहर निकलकर, सिर्फ एक घर में ही नहीं, आप ये सामने भी घर देख सकते हैं, यहाँ पर काफी ऐसे घर मौजूद हैं जहाँ पर इस तरह से दरारें आनी शुरू हो गई हैं, और लोग काफी ज्यादा परेशान यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। बच्चे भी घर में रहते हैं तो डर लगता है, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी हमने आपको एक पहला घर दिखाया, अब हम आपको दूसरे घर में लेकर आए हैं। इस घर के हालात देखिए, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बड़ी दरारें आई हुई हैं, कितना ज़्यादा खतरा है इस घर में रहना, लेकिन लोग मजबूर हैं इन घरों में रहने को, क्योंकि वो अपना घर छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये दीवार कभी भी गिर सकती है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, अगर कोई बच्चा है घर में, बुजुर्ग है, कोई भी है, किसी के साथ भी इस तरह से हादसा हो सकता है। कितनी ज्यादा बड़ी बड़ी दरारें आई हुई हैं, लेकिन लोग इतना कम कमाते हैं, किस तरह से 10-12 हज़ार कमाते हैं, और कैसे इसको ठीक करवाएंगे और यहाँ पर रहने को मजबूर, जिनका ये घर है उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। तो आंटी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब से ये दरारें होनी शुरू हुई हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो थोड़ी थोड़ी थी, फिर थोड़ी सी वो करते करते अब थोड़ा सा गिरा है, तो कहते बार बार लाइन लीक है, चल पटवा लेते हैं, फिर उनको बुलवा के लाइन पटवाई है, फिर वो कहते जो पहले वाले पाइप है ना उनको पहले खुदवाओ तो फिर पता चलेगा। मतलब आप मतलब ऐसे जो गौशाला में पाइप आते, हाँ ये अपने आप ही हो गया, पहले कुछ भी नहीं था। तो आप घर छोड़ के भी कहीं नहीं जाते? ना, यहाँ सामान सोफा सूफा पड़ा था, और कुछ नहीं पड़ा था हमारा, सोफे सोफे पड़े थे। तो डर आंटी है, तो कभी भी दीवार गिर सकती है, रात को कुछ भी हो सकता है, हादसा हो सकता है। रहना तो मुश्किल है ना, फिर बच्चा एक मना आदमी है नहीं, फिर क्या करे। लेकिन घर छोड़कर भी नहीं जा नहीं जा सकते। कौन कौन रहता है घर में? एक बोटी है, एक लड़का है, एक मैं हूँ, एक छोटी सी गुड़िया मेरी। अच्छा, बच्चा भी है घर में? हाँ, बच्चा भी है छोटा। काफी ज्यादा बच्ची को तो इससे डपाने भी नहीं, इधर हम सोते ही नहीं है, दोनों कमरों में सोते, उधर भी तरेड़े हैं, उधर पीछे खड्डा है, कमरे में भी आई हुई है, हाँ थोड़ी थोड़ी आई हुई है उधर। तो कुछ अधिकारियों को बातचीत की, उनसे कहा कि कुछ करें? वो मिस्त्री तो ही कहते हैं अभी हम दोबारा बनवा लो, दोबारा और क्या कहते हैं। अधिकारी यहाँ पे पाइपलाइन की वजह से हुए, अधिकारियों से बातचीत हुई है? हमने लड़का चला जाता है, अभी गया है, मदद की जाए आप लोगों की? हाँ, मदद वास्ते तो क्या, अभी हम कहाँ से लाए, इतने गरीब बंदे हैं। काफी ज्यादा परेशान है लोग यहाँ पर, बच्चे भी घर में रहते हैं, बुजुर्ग लोग भी घर में रहते हैं, और कितना ज्यादा डर बना हुआ है, कभी भी ये दीवार गिर सकती है, कुछ भी हादसा हो सकता है बड़ा, और लोग यहाँ पर रहने को मजबूर हैं, क्योंकि कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। अगर मैं एक बार फ्लोर भी आप लोगों को दिखाना चाहूँ, फ्लोर भी जो है नीचे टूटता जा रहा है, नीचे धसता जा रहा है, क्योंकि जो नींव होती है घर की उसके अंदर तक पानी जा चुका है। ये पाइपलाइन मैं आप लोगों को दिखा देना चाहूंगी, यही वो पाइपलाइन है, यहाँ पर लीकेज का बताया जा रहा है, लोगों बता रहे हैं। और पुरानी पाइपलाइन में अगर लीकेज थी, नया लगाया गया लेकिन कुछ ध्यान नहीं दिया गया। और एक ये और घर है, यहाँ भी कहा जा रहा है कि यहाँ भी दरारें आई हैं, काफी ज्यादा देख सकते हैं मुश्किल में लोग यहाँ पर जी रहे हैं। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये देख सकते हैं इस घर में भी किस तरह से, अभी यहाँ पर थोड़ी दरारें हैं, लेकिन उस जो हमने पहले आपको घर दिखाए वहां भी धीरे धीरे इस तरह से शुरुआत हुई थी, और अब कितनी ज्यादा दरारें हो चुकी हैं आप लोग देख सकते हैं, लोग बहुत ज्यादा परेशान। और ये कमरे का हाल आप लोग देख सकते हैं, बीचों बीच किस तरह से दरारें आई हुई हैं, बेडरूम है ये, लोग यहाँ पर सो रहे हों, और
खुदा ना खास्ता कभी भी हादसा हो सकता है, ये दीवार गिर सकती है, बच्चे हों बड़े हों डर रहता है, कुछ भी हादसा हो सकता है। तो हम आप लोगों से यही अपील करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही अपील रहेगी कि कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर की जानी चाहिए इन लोगों की। देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे घर में इसी तरह से दरारें आई हुई हैं। अंकल जी आपका घर है ये? हाँ जी। अंकल जी कब से हुई है आपके घर में भी दरारें? ये 2 महीने से है। 2 महीने से हुई है? हाँ जी। पूरे घर में फैली हुई है इस पूरे तरह घर से? में डर लगता होगा अंकल, घर लगता में ही है वो तो लगेगा। अधिकारियों से बातचीत करी आप लोगों ने? करी थी, कंप्लेंट करी थी। क्या कुछ कहना है? फिर उन्होंने लाइन चेंज कर दी है। अच्छा, कहते अब ठीक है। नहीं, लाइन ठीक कर दी। अब जैसे जिनके घरों में सब में दरारें हुई है तो उन पर उनका क्या कहना है? कुछ नहीं जवाब है, कुछ मदद की जाए, क्योंकि गलती तो वही पाइपलाइन की आती है, होनी चाहिए। और पाइपलाइन के लिए कंप्लेंट कब से कर रहे थे आप लोग? 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने से कंप्लेंट कर रहे थे, अब जाके वो चेंज की गई है। और घरों का कुछ नहीं देखा गया? नहीं जी, किसी ने नहीं आगे देखा। घर में कौन कौन रहता है अंकल? बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और 4 सदस्य हो रहे हैं। बच्चे भी घर में रहते हैं? हाँ जी। तो क्या कुछ सर अपील करना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन? बस यही जांच करवाई जाए किस वजह से आ रही हैं दरारें, मदद की जाए। आप लोग मदद करी जाए ना, तो ठीक करवा के दें, इनका ठीक करवा के दें। और ऐसे थोड़ी है, दूर तक हमारा सारा नुकसान हो रहा है जी, वहाँ तक देखो जाके कहाँ से करेंगे? 8-8, 10-10 हज़ार रुपया लेने वाले गरीब आदमी कहाँ से लेंगे? कहाँ से पैसे लेंगे? अपने बच्चे पालेंगे कि इनको ये ठीक करवाएंगे? एक दफ़ा तो आज एक कमरा बनाने लगे, एक तो कमरा बनता नहीं किसी से, कि नहीं आगे कहाँ से करेंगे बताओ? ना कोई सुनाई करता, ना कोई MLA सुनाई करता, ना कोई सरपंच सुनाई करता। ये जी 2-3 महीने से हो रही है, कोई नहीं सुनवाई करता यहाँ पे किसी की भी, ये बिल्कुल झूठ है जी। आपका नाम? हमारे, मेरा नाम अवतार सिंह है जी। हमारे घर तक देखो जी पीछे जाके, हमने घर भी छोड़ दिया, खाली कर दिया जी वो कमरा। यहाँ कम से कम 12-13 घर है जी, 12 घर है कम से कम। सारे के सारे मतलब ऐसी बिल्कुल कोई पता नहीं किस टाइम क्या हादसा हो जाए, किसी की मौत भी हो सकती है, 101 बंदे का कोई पता थोड़ी है। रात को जो अभी बरसात नहीं हुई, जो बरसात होगी ना तो ये बिल्कुल ही गिरेंगे, फिर कहाँ भागेंगे, कहाँ पर किसी कोई, सब तो मजदूर आदमी है, कोई किसी का ये तो है नहीं भी बाहर कोई जगह को बाहर बना लेंगे जाके। पीछे जो देख ले, वैसे तो कहते हैं कि गवर्नमेंट ये करेंगे वो करेंगे, करता तो कोई कुछ भी नहीं है कि नहीं। ये जी कड़ियाँ वाले मकान है जी, वो तुम्हारे को पक्के बने, अरे जो टूटे हुए वही तुम वो मतलब ठीक करवा दो, तुम पक्के तो क्या बनवा के दोगे किसी को कि नहीं। यहाँ काफ़ी परेशान होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर लोग, बच्चे रहते हैं घर में, बड़े रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, और कितना ज़्यादा मतलब दिक्कत हो सकती है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो आंटी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आंटी जी आपका ही घर है ये? हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आंटी जी? मतलब मजबूरी में रह रहे होंगे, क्या कह सकते हैं, घर छोड़कर भी नहीं जा सकते? बिल्कुल घर छोड़े नहीं जाते हैं आप समझदार हो कि, और इतने मतलब डर के अंदर रहते हैं हम लोग की भी कोई भी दीवार कभी भी गिर सकती है। पानी नहीं है हम लोगों का, पानी के लिए बड़े परेशान है, बाहर से पानी लेना पड़ता है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारी समस्या का हल किया जाए जल्दी से जल्दी। जी हाँ, समस्या का हल किया जाए, सभी का बस यही कहना है। और हम भी यही अपील करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन इस तरफ ध्यान दे, और इन लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह से बताया 10-12 हज़ार रुपये कमाते हैं, और किस तरह से एक घर को ठीक करवाएंगे, और बहुत बुरी तरह से यहाँ पर दरारें आई हुई हैं घरों के अंदर, कभी भी हादसे हो सकते हैं। और बता रहे हैं कि इस घर में भी दरारें आई हैं और ये लोग घर छोड़ कर जा चुके हैं, गिर चुका है अंदर से, ये बिल्कुल मकान गिर चुका है। लोग खाली मकान खाली कर कर बिल्कुल घर से चले गए हैं, और यहाँ पर सारे मकान छोड़ने को तैयार है। प्रशासन के आगे, सरपंच के आगे, हर बंदे के आगे हम रो चुके हैं, कोई कोई सुनवाई नहीं है। और यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, रात को सोते नहीं है, बल्ली लगा के सोते हैं, 5 मिनट के बाद गिर जाती है, नींद नहीं आती है। मकान खाली करने के कगार पे चारों तरफ से पानी लीक है, कोई सुनवाई नहीं है किसी प्रकार की भी, प्रशासन के हो, सरपंच के आगे हो, BDO ऑफिस में हो, CM विंडो पे हो, हर जगह दरखास्त दिए हैं। बस ये मल्ला पूरे का पूरा परेशान हो चुका है, इसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। इधर देखो जी, जी हाँ, ये घर देख सकते हैं, इस घर में जो लोग रहते थे वो घर को छोड़ कर जा चुके हैं, घर अंदर से गिर चुका है, इतना ज्यादा बुरा यहाँ पे हालात हुए हुए हैं। कुछ लोग घर छोड़ कर जा चुके हैं और कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम भी जाएं, क्योंकि रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, बच्चे रहते हैं, बड़े रहते हैं, कितना ज्यादा डर बना रहता है। आप लोगों से यही अपील करेंगे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। देख सकते हैं यहाँ पर भी ये जो टाइल्स लगी हुई हैं वो किस तरह से टूट चुकी हैं, कईयों की जमीन जो है, जमीन भी इस तरह से थोड़ी नीचे धंसती जा रही है, उसमें भी दरारें आई हुई हैं। तो
ये एक और घर है, यहाँ पर भी इस तरह से परेशानी है, बहुत से घर हैं यहाँ पर, वहीं कुछ लोग तो घर छोड़कर भी जा चुके हैं। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आंटी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आपके घर में भी इस तरह से दरारें आ गई? आंटी जी क्यों रहे, आपके घर में भी दरारें आ गई? आपका घर है ये? हाँ जी हाँ जी, काफी प्रॉब्लम आती है। कमरे अंदर भी हुई है? हाँ जी, कमरों के अंदर हर जगह दरारें आ गई हैं। रूम्स में, एक रूम में जैसे टाइल्स वगैरह उतर रही है, यहाँ से हो रहा है बिल्कुल ही, फ्रंट सारा नाश। तो डर बना रहता होगा? हाँ वो तो है ही हर टाइम पर। हाँ जी हाँ जी। बच्चे भी हैं घर में? हाँ जी, छोटे छोटे बेबी हैं घर में, डर लगता होगा। हाँ जी हर टाइम। कुछ लोग आपके सामने वाले घर छोड़, ये देखो घर के सामने छोड़ के चले गए हैं, ये अब हर टाइम का ही डर है इस चीज का कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कभी भी हो सकता है। लेकिन हर कोई घर छोड़कर नहीं जा सकता? हाँ जी हाँ जी मैम जी, हाँ घर छोड़कर हर कोई नहीं जा सकता, किसी पास कोई दूसरी जगह भी होनी चाहिए। देख सकते हैं कितनी ज्यादा परेशानियां यहाँ पर हुई हैं। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये भी कहा जा रहा है कि कब से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, 2-3 महीने से इस तरह से दरारें होनी शुरू हुई हैं यहाँ पर, और उसके बाद दरारें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि लोगों को यहाँ पर रहना मुश्किल हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे घरों में रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, और पाइपलाइन चेंज तो की गई है, वो भी कितने टाइम से बोला उसके बाद, लेकिन इस चीज पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि जो लोग यहाँ पर 10-12 हजार कमाते हैं, किस तरह से इसे ठीक करवाएंगे। और हम एक और घर में आए हैं, यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी दरारें आई हुई हैं। अगर मैं सीढ़ियों की बात करूँ, मैं आपको सीढ़ियाँ दिखाना चाहूंगी, सीढ़ियाँ भी इस तरह से टूटती जा रही हैं, काफी ये हादसा होने का डर बना रहता है। अगर कोई सीढ़ियां चढ़ रहा है इंसान, कभी भी सीढ़ियां गिर सकती हैं। और ये देख सकते हैं, यही वो घर है जो खाली करके गई है एक फैमिली, देख सकते हैं पूरी तरह से ये घर जो है नीचे गिर चुका है। तो अंकल जी उस वक्त लोग घर में मौजूद थे जब ये घर गिरा? हाँ उस समय यही तो थे, जिस टाइम फिर उन्होंने सारे जब पट गया तो बेचारों ने पैसे दे के सारा सामान निकालने की कोशिश करी, जब मतलब वो दबे तो नहीं, मतलब कुछ ना बच गए, दबे नहीं, वैसे उन्होंने देखा जब पटी गए, जब रोज ही तो नीचे बैठने लग गए, तो फिर अगलों ने तो पैसे लगा के लोग बनाने के लिए पैसे लगाते हैं, ये तड़वाने के लिए बेचारों ने पैसे लगाए, इन्होंने भी और इन्होंने भी, और उधर से ये देख सकते हैं काफी ज्यादा बुरा हाल हुआ है। ये घर पूरी तरह से टूट चुका है और जो फैमिली यहाँ पर रहती थी वो यहाँ से जा चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। और बाकी घर में भी बहुत ज्यादा दरारें आ चुकी हैं, कुछ भी कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, बहुत से लोग यहाँ पर रहते हैं, ये इनका घर है, इनसे बातचीत करते हैं। आंटी जी आपके घर में भी काफी दरारें मैंने देखी, सीढ़ियाँ काफी ज्यादा टूट गई हैं, चढ़ते हुए भी कुछ भी हादसा हो सकता है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैम हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, और हमारे घर तो वैसे भी कोई कमाई का कोई कमाने वाला भी नहीं है, तो हम तो प्रशासन से यही अपील करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी मदद की वो मुआवजा दिया जाए और मदद मिले। बच्चे रहते हैं घर में? हाँ जी बच्चे हैं, छोटी गुड़िया है, नींद नहीं आती है रात को, हमें डर लगता है, डर तो लगता है ही है कि अगर नीचे दब डूब गए तो फिर क्या होगा। हाँ जी प्रशासन से तो हमारी यही अपील है कि वो जल्दी से जल्दी, हम या तो साथ वाला घर पूरी तरह, हाँ जी डैमेज हुआ हुआ है वो, तो मुआवजा मिले और मतलब मदद करे हमारे, और घर छोड़कर भी कहां? हाँ जी, और हमारा तो यहाँ है कि कोई कमाने वाला भी नहीं है ना घर में। अच्छा। हाँ कौन रहता है घर में? बस मदर इन लॉ है, मैं हूँ, मेरी छोटी सी बेटी है, और फादर इन लॉ है, वो बुजुर्ग हैं, वो कमा नहीं सकते हैं, उनसे होता नहीं है काम वगैरह कुछ भी। एक बेटा तो। आंटी जी आपका घर है, क्या कुछ परेशानी हो रही है? सारा मकान टूटा पड़ा जी, मर घर कोई कमाने वाला नहीं है, सारे कहते हैं किराए पे चलो, जो मर से किराया पूछता नहीं है जी, हमारे को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अधिकारियों से कुछ बातचीत की अपील की गई? हाँ जी सबसे की है, एमएलए से। हाँ जी तो कुछ नहीं अभी तो सुना, कुछ नहीं सुना, डर लगता है सोते। हाँ जी डर लगता है जी, बैठ जाते हैं, उठ के थोड़ी देर सो जाते हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं जी, छोटी सी एक छोटी सी बच्ची भी है घर में, आप बुजुर्ग, बस एक पोती है जी, लड़का मेरा चला गया, एक ही लड़का तो ही एक्सपायर हो गया, ये मेरी बहू है, ये बहू है। चुप हो जाइए आंटी, चुप हो जाइए। देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पर ज्यादा परेशान हुए हुए हैं, रोना निकल रहा है कि किस तरह से घर में कमाने वाला कोई नहीं है, या किसी के घर में है भी तो हद से हद 10-12 हजार कमा रहे हैं, किस तरह से इसे ठीक करवाएंगे। साथ वाला घर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, फैमिली जा चुकी है, तो सबको डर बना हुआ है, बच्चे घरों में रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, जान तक जा सकती है। तो हमारी यही अपील एडमिनिस्ट्रेशन से भी रहेगी, इन सब लोगों ने भी कहा कि हमने भी काफी बातचीत करने की कोशिश की, तो हमारी भी करनाल
ब्रेकिंग न्यूज की तरफ से अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन को कि प्लीज इस तरफ ध्यान दिया जाए। करनाल का ये जुंडला गांव है, यहाँ पर काफी ज्यादा बुरे हालात हुए हुए हैं, लोगों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और कुछ इन लोगों की हेल्प की जानी चाहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।